जल संसाधन विभाग के ईई के पास मिला 5 लाख के पुराने करंसी, दर्ज किया जाएगा मामला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम ने दानापुर के गोला रोड स्थित इंदिरा इनक्लावे में सिवान में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के आवास पर छापेमारी करने पहुंची। पहले सुबह से कार्यपालक अभियंता हरिकृष्ण प्रसाद के आवास पर निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर एक एक केस की गहन जांच कर रही है। इस अवसर पर निगरानी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक की छापेमारी में लगभग 53 लाख रुपए नकद, 5 लाख में पुराने नोट, 4 डीड के कागजात तथा 8 से 10 बैंक के पासबुक भी जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि कार्यपालक अभियंता हरिभूषण प्रसाद का सिवान से तबादला हो गया है और वह आज ही बख्तियारपुर में पदभार ग्रहण करने गए हुए हैं। कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग इधर तक सिवान में पोस्टेड हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला निगरानी में दर्ज हुआ है। उसी सिलसिले में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आज इनके पटना स्थित आवास पर निगरानी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया नगद, इसके अतिरिक्त पुराना नोट भी लगभग 5.5 लाख रुपया, ज्वेलरी, 4 डीड का कागजात, लगभग 8-10 की संख्या में पासबुक इनके आवास से अभी तक बरामद हुआ है और अभी सर्च की कार्रवाई चल रही है। कहाँ पोस्टेड है सर? अभी वर्तमान में है कार्यपालक अभियंता, लेकिन सुनने में आया है कि आज ही ज्वाइन करने गए हैं बख्तियारपुर, इनका वहां से ट्रांसफर हो गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।